Hey guys, welcome back to my YouTube चैनल योयो चाचा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गाइज कैसे हो, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह मॉर्निंग का समय है, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग आए हैं, कहाँ पर आए, गलता जी। आज हम आए गलता टेम्पल जो कि जयपुर में स्थित है। जब भी अगर आप लोगों का भी कभी जयपुर आना हो तो ये एक घूमने के लिए अच्छी जगह है, और आस्था की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी अच्छी जगह है, क्योंकि गलता जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस है, ऊपर पहाड़ी पर है। तो हम लोग गलता जी आ चुके हैं, यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, और अंदर जा कर के आप लोगों को भी जो टूर है वो विज़िट करवाते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है आज हम लोगों का गलता जी का टूर। तो चलते हैं। तो गाइस देख लीजिए, काफ़ी अच्छा जो दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। और अगर थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा दिया जाए तो आपको जो सूरज है उसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इस के बीच में जो ये दो खाड़ी है ना, ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब दिखाई दिया, काफ़ी प्यारा। तो गाइस, और ढलान इतना है, और कैमरे में थोड़ा जर्क आएगा, एडजस्ट कर लेना। ढलान इतना है कि हम बिना गाड़ी को स्टार्ट किए बस ऐसे ही ढलान वाले पार्ट के अंदर ले कर के जा रहे हैं। और ये इससे हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया कि कैमरे में जो है बाइक का जो साउंड है वो नहीं आ पाएगा। तो ये काफ़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और आप पीछे से जो व्यू दिखाई दे रहा है, आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और हम लोग भी आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। और एक बार योयो दिखा दो। गाइस देख लीजिए, बाइक हमारी स्टार्ट नहीं है, और काफ़ी प्यारा जो सीन है वो देखने में बनता है यहाँ से। गाइस देखा आपने, ये है प्राकृतिक सौंदर्य जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। और प्रकृति की बात करें तो काफ़ी हटके होती है प्रकृति। तो चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और वैसे अभी हम लोग, आप देख सकते हैं, अभी काफ़ी सारा इधर जो रूट बना हुआ है, ये ढलान, फिर वहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ से होते हुए नीचे, ऐसे जिगजैग कुछ पैटर्न बना हुआ है। और अभी जो हम लोग आए वहाँ ऊपर से आए हैं, ऊपर से मतलब और भी ऊपर से आए वहाँ से। आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो काफ़ी बड़ा है। तो करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस हम नीचे जा रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे घूमते हुए। और सामने का जो दृश्य देखिए, बड़ा ही प्यारा देखने में बन रहा है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ओहो क्या बात, क्या हमारी बाइक इसके अंदर से निकल पाएगी? आई थिंक निकल पाएगी। ओह, और गलता जी आए और बानर सेना ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये बानर सेना है गाइस। अब हम लोग यहाँ पर बाइक लगाते हैं और अंदर का जो सीन है वो दिखाते हैं कैसा है, और आप खुद भी देख लीजिएगा। तो गाइस हम लोग अंदर की ओर आ चुके हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है देखने में। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको कुछ शॉर्ट्स। ये कुछ ताल कुंड बने हुए हैं जो गलता जी के अंदर बने हुए हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, अपने ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको पाप है वो थोड़े बहुत धुल जाते हैं इसके अंदर ना करके, ऐसा बताया जाता है। बाकी स्नान तो हो ही जाता है, पवित्र हो जाते हैं लोग। और जैसा कि आपने अभी थोड़े इससे पहले वाले शॉट में देखा होगा, काफ़ी अच्छा जो सीन है। और मैं आपको दिखा भी दूँ, हम लोगों ने अभी आपको ये वाला सीन दिखाया है, ये जो नीचे दिख रहा है ताल, और इसके बाद में ये वाला सीन हमारे बैक साइड में दिखाई दे रहा है। और वो देखिए भाई साहब को बड़े चाव के साथ यहाँ ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। आनंद आ गया एक बार डुबकी लगाते ही। थोड़ी आवाज़ उनकी निकली थी तेज, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही है उनकी। उनको बड़ा मज़ा आ रहा है नहाते हुए। तो चलते हैं आगे कंटिन्यू। गाइस आप लोगों ने देखा कि ये जो गलता जी का मंदिर है, ये पहाड़ियों को काट करके बीच में प्राचीन काल से ही बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो ये चारों तरफ पहाड़ी है, आप देखते चलिए चारों तरफ पहाड़ी है। और इस एरिया में कटिंग करके इसको बीचों बीच निर्माण किया गया है प्राचीन काल में। तो कितनी मेहनत की गई होगी इसको बनाने में, और दृश्य काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको और अंदर का सीन है। बाकी ये जो पीछे ना देखो, ये छोटी छोटी ये देखो ये परेशान कर रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग जो है ना मंदिर के बीचों बीच में आ गए, और बीच से जो शॉट कैसा दिखता है वो आपको एक बार दिखा देते हैं सेंटर से, चारों तरफ से। तो देखिए ये जो सीन है वो कैसा दिखाई देता है आपको। गाइस हमें इस मंदिर की दीवार पर कुछ पुराने टाइम में जो कलाकारों ने कुछ चित्रकारी जो की है वो देखने को मिली है, तो वो भी आप लोगों को हम जो दिखा देते हैं। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ गलता जी का मंदिर है। और अभी देखिए हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ है। कोशिश करते हैं जितना पार्ट हम इसका एरिया है आप लोगों को टूर करा सके उतना हम आप लोगों को टूर कराते हैं। और अभी तो रास्ता अंदर जाए रहा है, और कुछ पेंटिंग थी वो भी हमने आप लोगों को दिखाई। और सबसे बड़ी बात तो क्या ना, देखो यहाँ पर है ना मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह बिल्कुल साफ मना हुआ है, यहाँ पर अलाउ नहीं है। इसलिए गाइस थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे बना रहे हैं वीडियो वो हमें ही पता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइज ये थे कुछ और अच्छे शॉट जो आपको दिखाए, और ये जितने भी शॉट दिखाए जाते हैं जब हम बोलते हैं तो उसी के आप समझ लिया करो, उसी के आसपास है। देखे जैसे कि वो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इधर से ये वाला सीन आपको दिखाई दे रहा है, इधर से ये जो पहाड़ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इधर कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देखो पूरा ही काला हो गया ना, तो दिखाने लायक ही नहीं था ना। और जो चीज़ काली हो जाती है दिखाई नहीं देती उसको दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता ना, तो कंटिन्यू बने रहिए। और अब देखो इतना ही था वैसे तो यहाँ का टूर, और इसके बाद में अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जा कर के पहाड़ पे से जो क्या सीन दिखाई देता है, क्या व्यू दिखाई देता है वो लास्ट आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये जो है हमारा गलता जी के मंदिर वाला आज का ब्लॉग हम अभी पहाड़ का मत बताओ, जाना हो तो नहीं, हाँ। अगर नहीं जाने दे तो हाँ नहीं, अगर नहीं जाने देगा वो भी हम बताएंगे, अगर वो जाने देते हैं तो भी हम लोग बताएंगे इस बात को। क्योंकि सही है ना, देखो बताना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ क्या आजकल क्या ऐसी जगह पर सब जगह दिक्कत हो गई है, कुछ हो गए होंगे इशूज, इस वजह से अलाउ नहीं करते। तो कोशिश करते हैं ऊपर जा करके आप लोगों को दिखाएं हम। तो अभी ये तो इन्जॉय कर लिया ना, अब जो कुछ एंजॉय करा पाएंगे वो भी हम आप लोगों को दिखा देंगे, जिससे आप लोग चाहो जितना एंजॉय कर लेना, खुश हो लेना। बाकी ये क्या चीज़ है यार, ये पहली बार देख रहे हैं गाइस। हम आपको कुछ चीज़ दिखाते हैं आप लोग बताना, मैंने पहली बार देखी है, आप बताना ये क्या है, ठीक है गाइस। आप लोगों को बताना है ये क्या चीज़ है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आपको बता दूँ ये पेड़ का पत्ता ऐसा है, आपको ये बताना ये क्या चीज़ है, ठीक है। गाइस सबसे अच्छी बात देखो कि यहाँ पर इतनी गहराई में भी यहाँ पर जन सुविधाएँ भी बनाई गई हैं। यहाँ पर अगर किसी को एक नंबर या 2 नंबर की प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर उस चीज़ से वो फारिग हो सकता है बहुत अच्छे से। तो होना चाहिए, हर जगह बनी होनी चाहिए। और दूसरा साफ़ सफाई देखिए, साफ़ सफाई कितनी है यहाँ पर, कितनी बहुत अच्छी साफ़ सफाई है यहाँ पर। यहाँ कोई इरिटेट नहीं होगा यहाँ पर, इस जगह को देख करके बड़ा सुकून से एकदम से हल्का होकर आएगा बढ़िया से होना चाहिए। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जो सार्वजनिक जगह पर जो लोग जाते हैं वहाँ पर ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर गौर करके। तो गाइस हम लोग अब इस मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और जैसे कि हमने बताया आपको, अगर ऊपर पहाड़ी पे जाने का मौका मिला तो उस पहाड़ी पर भी जा कर के हम आपको दिखाएंगे तो कैसा दिखाई देता है सीन। बाकी ये देख लीजिए, अभी हम जा रहे हैं बाकी यहाँ से कैसा दिखाई, देख लीजिए हम बाहर जा रहे हैं तो यहाँ से कैसा दिखाई देता है। तो गाइस हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर की ओर, और यहाँ अभी हमें किसी ने बताया कि ऊपर सूर्य मंदिर है, जो हम ऊंचाई की बात कर रहे थे ना, वहीं पर सूर्य मंदिर है। तो चलो आपको सूर्य मंदिर के पास जा कर के दिखाते हैं आपको, और वही सबसे ज़्यादा ऊपर ऊंचाई है यहाँ की। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ की सबसे ऊपरी ऊंचाई पर, और जहाँ बना हुआ है सूर्य मंदिर, और दिखाते हैं आपको सूर्य मंदिर बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो देखिएगा गाइस ये है सूर्य मंदिर। और ऐसा बताया जाता है कि जो सूरज की पहली किरण है वो सिर्फ दो जगह पर पड़ती है। पहला तो है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा ये है गलता जी का सूर्य मंदिर जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। हमें ये बताया गया तो हम भी आपको ये बता दें। अब देखते हैं इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है, बट हमें जो पता चला वो सिर्फ हमने आपको बता दिया। दूसरा सबसे अच्छी बात कि यहाँ से पूरा जो जयपुर का एरिया है ना वो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। क्या आप लोग देखना चाहोगे? चलो आपको भी दिखाते हैं, तो देखिए। गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग। मिलते हैं फिर किसी अन्य ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।